भाई जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। जैसे ही म्यूजिक आपका जो रिलीज हुआ है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता शुक्रिया है। और हमने शुक्रिया। सुना अभी जस्ट हनी सिंह का भी आया है यस मैसेज, तो यस उसके यस बारे में पहले जानना चाहेंगे। हनी भाई का जस्ट अभी आया, कहते हैं भाई तूने शूट कहाँ करा वीडियो ये। उनको मैंने कहा भाई गोवा और लग ही नहीं रहा यार, पर उनका उन्होंने ब्लेसिंग्स दी मुझे कि बहुत अच्छा गाना एक का ऐसे ही करता रहे और तरक्कियां पा। मतलब हनी भाई हमेशा ही, मतलब गाना आता तो वो अपना लव मेरे को ऐसे ही भेज देते हैं, प्यार भेज देते हैं। और हनी भाई तो लव यू है भाई। ओके, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा रहा शूट, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये गाना मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मेरा अपना गाना नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि कई गाने होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं और ये उनमें से मेरे लिए एक है। और फीचरिंग मेरे भाई हैं इसमें मूनलाइट, जिन्होंने बहुत ही अपने नाम की तरह चार चांद लगाए हैं इस गाने में, अपनी चांदनी बिखेरी है। और गॉड ब्लेस देम। और प्रोफेसी भाई ने इसका म्यूजिक करा है, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, और जिनका म्यूजिक हमेशा ही, मतलब जब भी मैं सुनता था मेरे, मतलब कि गूज बम्स आते हैं मेरे को, तो मैं चाहता था कि मैं उनका सिंगल करूँ और मैंने करा। और वीडियो करा है वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन इंडिया, डायरेक्टर गिफ्टी ने, जो बहुत ही शानदार वीडियो है। द विजुअल हमने गोवा में शूट करा और बहुत ही फन आया, मजा आया मतलब शूट करने का। और विनीत भाई का, सारित भाई का, देवराज सर का, मोहित सूरी सर का मैं बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा और मतलब मेरे को पुश करा और मेरे विजन पे बिलीव करा और इस गाने, मतलब ये गाना मुमकिन हुआ तो इन लोगों की वजह से। यस ओके पाजी, आप पे आपको देसी रैपर भी कहा जाता है, सो क्या हु इज योर फेवरेट, जो बहुत ही आपको रैपिंग या उससे इंस्पायर्ड हुए हम? मतलब मेरे को, मेरे साथ बहुत सारे फेवरेट हैं, मेरे बादशाह भाई, भूमिया पाजी, डिवाइन एंड कपल ऑफ मोर, सीधे मौत, दिल्ली से बहुत अच्छा ग्रुप है सीधे मौत, उनकी एल्बम आई है बयान करके, मैं बोलना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन एल्बम है। अगर आप हिप हॉप सुनते हैं तो जाके सुनिए बयान, बहुत ही अच्छी एल्बम है। और रागा दिल्ली से, और बहुत सारे रैपर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बहुत सुनता हूँ उनको और मैं बहुत पसंद करता हूँ। यस ओके कपा जी, आपकी एक राय जानना चाहूंगा। बहुत से रैपर से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि एज अ सिंगर और रैपर दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म मिलती है, दोनों की सेम ही अप्रिशिएशन भी होती है, बट बिल्कुल उतनी अप्रिशिएट लोगों से नहीं मिलती, या प्रोड्यूसर जो होती है उनसे अप्रिशिएशन इतनी नहीं मिलती एज अ कम्पेयर टू सिंगर। आप ये नहीं मानते? मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आपकी बात में वजन है और आप सही काम कर रहे हैं तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और सिंगर अपनी जगह ठीक है और रापर अपनी जगह ठीक है, और दोनों का अपना ही एक वजूद है। और मैं चाहूंगा कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, मैंने फेस नहीं करा, मतलब मैं जहां भी गया हूँ तो मेरे को वैसा ही प्यार मिला जैसा किसी सिंगर को मिलता होगा या फिर किसी डांसर को मिलता होगा या फिर किसी एक्टर को। मेरे को कभी किसी ने छोटा फील नहीं करा कि आप रापर आए तो कुछ भी नहीं आए वो, तो मेरे को अच्छा ही फील हुआ भाई हमेशा, ऐसा कभी मेरे को लगा नहीं। ओके, आप डिवाइन से भी बहुत इंस्पायर्ड हो, अभी ही गली बॉय आई थी, उसके जिंदगी पे आधारित थी, सो हाउ आपने देखा है, कैसी लगी? अरे मैं मिला था डिवाइन से अभी दिल्ली में, हम मिले थे, हम एक इवेंट पे साथ में थे। और मैंने, मतलब कि मैंने उसे बोला कि यार ये मूवी ऐसी है, ये हर रापर की कहानी है, मतलब सिर्फ ये डिवाइन को नेजी की कहानी नहीं है, हर रापर की है। क्योंकि मैंने देखा रापर्स बड़े बेचारे दिल के ना, वो पेन उन्होंने कहीं देखा होता है अपनी जिंदगी में, वो सहा होता है तो वो लिखना आता है, वो लिखाई एक आशिक को, और यार फिर आशिक से ही निकलती है, मतलब जिसने दर्द सहा होता है अपने पे तो वो लिखता है वैसा। तो ये सब लड़कों की कहानी है, वो मिडिल क्लास लड़कों की कहानी है जो मतलब कुछ करना आते हैं, जो अपनी जिंदगी में अपना वजूद बनाना आते हैं, अपनी पहचान मतलब जो क्रिएट करना आते हैं, तो ये सब के बारे में मूवी है, उन सब स्ट्रगलर्स के लिए, सब रैपरों के लिए मूवी है। ओके पाजी, आपने लिखने की बात की है, तो आपने भी एक सॉन्ग लिखा था अमित भड़ाने के ऊपर, यस उनके यस लाइफ के ऊपर, ये ट्रेंडिंग पे था एक जी भाई, हफ्ते के ऊपर भी, ये तो क्या रिस्पॉन्स था, क्या एक कोई यूनिक रिस्पॉन्स, और अमित भड़ाने जी के तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? अमित भाई ने, मतलब पहले तो बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर हैं वो, बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, और मैं फैन था उनका, मतलब इस गाने से पहले, ये गाना बना हो इसलिए नहीं कह रहा, पर उससे पहले ही मैं फैन था, उनके वीडियोस देखता था। तो उनका, मेरा इंटरव्यू गाना हमने रिलीज करा था, तो उनका मेरे को फोन आया कि यार भाई आपका गाना अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही गाना आप, मेरी स्टोरी आप बताओ। मैंने कहा भाई मैं कैसे बताऊंगा आपकी स्टोरी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी बताना ईजी है, दूसरे की बताना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता नहीं कब क्या हुआ उनके साथ। तो फिर हम मीटिंग्स करी हमने, फिर उन्होंने, भाई ने मेरे को बताया, हम बैठे, उन्होंने बात हुई कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मैंने अपने पिताजी को मतलब खो दिया, और मेरा यूट्यूब से कंटेंट हट गया, और मेरे लोगों ने कितना, मतलब यूट्यूबर्स ने मेरी कैसे खिल्ली उड़ाई और मेरा मजाक बनाया लोगों ने, कि जब मैं कुछ भी नहीं था, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, तब लोगों ने, 50-50 हज़ार वाले लोगों ने मेरे को कैसे मतलब ट्रीट करा। तो सब कुछ मैंने फिर लिखा और फिर भाई को सुनाया, भाई को बहुत अच्छा लगा, कहता है लग रहा है कि यार मैं ही बोल रहा हूँ पर तुम्हारी जुबानी। तो फिर हमने रिकॉर्ड करा और लोगों का इतना प्यार मिला, इमेंस लव, मतलब इतना ज्यादा, मतलब हमने 2 दिन में 2 मिलियन लाइक्स क्रॉस करे थे, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पहली इंडियन वीडियो जिसने 2 दिन में 2 मिलियन लाइक्स पाए थे,
यस। ओके का भाजी, व्हाट्स नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज के बाद इसके कुछ बाद अपना? मैं एक हिप हॉप ट्रैक करूंगा और बहुत ही बेहतरीन है, वो बन चुका है और हम उसको शूट करेंगे जल्दी ही। मेरे ख्याल से मैं अपनी प्रमोशन के बाद उसी पर जाके वो शूट करूंगा और रेडी है ऑलमोस्ट, और वो भी हम मतलब कि 25 या इतने दिन बाद निकाल देंगे। तब तक आप ये एंजॉय करिए हमारा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मतलब लैंग्वेज। ओके लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आपके आगे है सॉन्ग और 2 लाइन अगर हो जाए। तू ना बोले बोले तेरी हाय बॉडी लैंग्वेज, नया गाना आया मेरा बॉडी लैंग्वेज फीचरिंग मूनलाइट एंड प्रोफेसी, जाके चेक करिए और सपोर्ट करिए, शेयर करिए जितना हो सका है, फैला दो गाने, वो आपका भाई है, एक का गाना है नया, एक का उस पर भी। थैंक यू एक का भाई, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया सो मच।